नमस्कार दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर राजनीतिक गलियारों में कोई बातचीत चल रही है तो वो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि प्रताप सिंह खाचरिया आवास और सचिन पायलट की वो मीटिंग जिसको लेकर बहुत सारे लोगों की नींद उड़ी हुई है, बहुत सारे ट्रोलर्स की नींद उड़ी हुई है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडलर है उन सब की भी नींद उड़ी हुई है। अगर इस राजनीतिक मायने इस मीटिंग के देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये डर है कि कहीं प्रताप सिंह खाचरिया आवास से जिस तरह से सचिन पायलट मिले कहीं ना कहीं उठापटक का इशारा तो नहीं है। जिस प्रकार से विश्वेंद्र सिंह जी जो सूत्राधार माने जा रहे हैं इस पूरी चीज़ों के, उनसे घंटों बात होती है फ़ोन के ऊपर, ये भी कहीं उसी का एक खास कारण तो नहीं रहा। इन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा खास बात ये रही कि इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से ढांचा तैयार हुआ है, जैसे सचिन पायलट का विश्वेंद्र सिंह से बात करना या फिर खाचरेवासी से मिलना या फिर तमाम लोगों से, यानी खाचरेवासी का न्यूट्रल मोड पे आना, जिस तरीके से रामायण महाभारत के मोड पे थे उससे वो अचानक से डाउन मोड पे आए, ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही है कहीं ना कहीं कि राजनीति में बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है। और उसी के साथ अगर मैं बातचीत करूँ कि बहुत सारे और भी इशारे हैं जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि साइलेंस, जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपना धैर्य साइलेंस अपने आप में अपना रखा है, उससे आने वाले समय में राजनीति में बहुत कुछ चेंज होने वाला है ऐसा नज़र आता है। क्योंकि जब भी किसी में हड़बड़ाहट होती है तो वो ज़्यादा चीज़ें करता है या फिर जो हार रहा होता है वो हमेशा, यानी कहते हैं कि भुजता हुआ दिया ज़्यादा फड़फड़ाता है। उसी प्रकार से अशोक गहलोत जी जिस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लगातार बजट में लोगों को छूट देना, बहुत सारे अच्छे कर्म करके अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उससे, और जो सचिन पायलट का साइलेंट मोड पर जाकर जिस प्रकार से लोगों को मिलना, सभी को एक समान मानना और पार्टी को सर्वोपरि रखना, कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़े उलटफेर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा नज़र आ रहा है। साथ ही बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पायलट झुक गए हैं खाचरेवास के आगे, तो मैं इन लोगों को सभी को बता देना चाहता हूँ, राजनीति हमेशा विविधताओं का खेल है, कब किस पाले में क्या होता है किसी का कोई अंदाज़ा नहीं है। झुकना और उठना अलग तरीके की चीज़ हो जाती है, आमने सामने की लड़ाई में वो चीज़ होती है। अगर कोई किसी से मिलने जा रहा है, उसके घर पर जा रहा है, सामने वालों को भी अगर उस तरीके से उसका स्वागत किया है तो इसमें कोई भी तरीके की वो नहीं है। और जिस प्रकार से वो घंटों बातचीत हुई है, उसके पास प्रताप सिंह खाचरेवास का जो बयान आया है मीडिया के अंदर, उसने तो लगभग लोगों की सोच ही बदल के रख दी है कि जिस प्रकार की आप लोगों ने विचारधारा रखी है वैसी विचारधारा नहीं हुई है। वहाँ पर स्वागत एक दूसरे के लिए हमेशा पार्टी में मेल मिलाप रहता है और वो पार्टी में साथ काम करते हैं, और पहले भी प्रताप सिंह खाचरेवास को जितनी पहचान दिलाने में सचिन पायलट का ही याद रहा है। जब वो प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए प्रदेश में काम कर रहे थे उस वक्त प्रताप सिंह खाचरेवास उनके सारथी हुआ करते थे। इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आ चुकी कि राजनीति में कभी कुछ भी अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी कभी भी कुछ जो स्क्रिप्टेड होता है या फिर फ्यूचर में जो अपने आप होता है वो एक के बाद एक पत्ते खुलते जाते हैं। और राजनीति किसी की समझ से परे होती है, वो कभी किसी को समझ में आ जाए तो समझो राजनीति है ही नहीं, सिंपल खेल है। यहाँ पर जिस प्रकार से पहली बार 45 साल पर भारी पड़ा है 45 साल का लड़का, इसे ये नज़र आ रहा है कि राजस्थान अब सही रास्ते की तरफ चल रहा है। राम राम सा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।